नमस्कार मित्रों, की नई वीडियो में फिर से स्वागत करता हूँ। इस समय मैं हूँ सिगरा क्षेत्र में हूँ, वो देख सकते हैं। और यहाँ पे तैयारी काफ़ी तेज चल रही है नरेंद्र मोदी जी के आगमन का। ये देखें, ये इंडोर स्टेडियम बन रहा है, जैसा कि देख रहे हैं उसी की तैयारी चल रही है यहाँ पे, जैसा कि देख रहे हैं। ये यहाँ से लेके पूरा आगे तक ही देख रहे हैं आपका, तैयारी हो रही है और बड़ी बड़ी फोकलेन भी लगाई गई इसके अंदर। दीवार यहाँ के देखिए तोड़ा गया है, देख रहे ना यार। चलिए चलते हैं यहाँ से। अब पेंटिंग भी देखिए दीवारों पे की गई है, देख रहे हैं आप यहाँ पे दीवार पे, देख रहे ना पेंटिंग की गया है। तो अपने को चलना है इस साइड, चल के दिखाता हूँ पहले। ये देखिए रोड भी यहाँ पे बनाई जा रही है। ये कैसा रोड बनाया गया कमेंट करके बताइएगा आप। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे ट्रकें आ रही हैं। ये वेल्डिंग जोन इस साइड में है। तो हम लोग आ गए रुद्राज कन्वे सेंटर। इस बगल में नगर निगम की दीवार है। यहाँ पे तैयारी चल रही है नरेंद्र मोदी जी की। ये देखिए यहाँ से गेट नंबर 2 है, जस्ट उसके बगल में वहाँ काम चल रहा है पूरा। नरेंद्र मोदी जी इसी में आएंगे जहाँ तक मुझे पता है, और उसके तहत तैयारी का देख रहे हैं, एकदम तेज चल रही तैयारी। चलिए चलते हैं लोग बाहर और दिखाते हैं आपको चल के। देखिए हम लोग आ गए हैं वाराणसी चौकाघाट फ्लाईओवर के नीचे। और यहाँ पे देख सकते हैं कि रोडें भी लग रहा है, थोड़ा बहुत चौड़ीकरण किया गया है शायद, मतलब जो रोड ख़राब है उसी को बनाया गया है। ऐसा दुकानें देख रहे हैं आपका, जो खुला है आपका नाइट मार्केट वही है। तो हम लोग आ गए वाराणसी कैंट जंक्शन की तरफ। सामने देख रहे हैं आप वाराणसी कैंट जंक्शन है, ये गेट नंबर 1। और एलईडी है, पहले यहाँ पे काशी विश्वनाथ का लाइव चलता था, लेकिन अब कुछ और ही कमर्शियल यूज़ किया जा रहा है यहाँ पे। खाली ऐड वाला भी लगा, उस पर भी खाली ऐड। संतुष्टि साड़ी बनाया एडम करना साड़ी, यही सब मतलब चल रहा है, और बाकी कुछ है ही नहीं। मतलब देखते हैं इधर से हम भी निकलते हैं, निकल जाए तो साइड से। तो हम लोग आ गए हैं वाराणसी कैंट जंक्शन, देख रहे हैं सामने। G20 की तैयारी कहीं से हमको लग नहीं रही है। अगले मंथ से G20 है, पहले से 2 महीना पहले से हाई होगा, वो होगा, कुछ भी नहीं हो रहा है। हवा काफ़ी तेज चल रहा है, लेकिन मस्त हवा चल रहा है। कुछ हो ना हो, लेकिन हवा बड़ा मस्त चल रहा है। यात्री के लिए 3रा भवन बनाया गया है, ये यात्री आश्रय और टिकट घर, टिकट वगैरह भी मिलता है यहाँ से। चलिए चलते हैं यहाँ से काशी मेरा स्वाभिमान। ऑटो रिक्शा पार्किंग यहाँ पे इतना जाम लगता है कि जिसका कोई मुकाबला ना हो। इस फ्लाईओवर बनने में फ़ायदा लगता नहीं है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या कोई फ़ायदा है इस फ्लाईओवर बनने से। वैसे जैसे जाम पहले लगता था, वैसे अभी भी जाम वैसे ही लग रहा है, क्योंकि मुझे कुछ अंतर नहीं समझ में आया, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। तो देख रहे हैं अभी यहाँ का भी, देखिए रोड थोड़ा सा बनाया गया है अलकतरा डाल के। ना जाम लग रहा है ना कि आधा पेट्रोल लोगों का ऐसे ही जल जाएगा।
छोटे छोटे दुकानें भी अभी खुलने वाली हैं। इतना महंगा चार्ज जल्दी कोई ले ही नहीं पा रहा दुकान। शुरू में वीडियो बनाया था यहाँ का तो कितना लोग कह रहे थे भैया 100 रुपये की बिक्री नहीं हो रही है, अब उससे अनुमान लगा लीजिए आप 11,000 लोग का किराया है यानी रेंट, उसके पश्चात जब बिक्री ना हो तो वही कोई भी कहेगा। नाकाबंदी ये आगे भैया कैंट स्टेशन जो कि आप देख रहे हैं एकदम यहाँ पे जो होता है शब्दों बयां करना जरूरी बयां करने लायक नहीं है। ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ पहले का मैं। तो हम लोग आके विद्यापीठ वाले रोड पे आ गए हैं, तो यहाँ से निकलेगा सीधा आपका रथ यात्रा निकलेगा। यहाँ का रोड देखिए नया बनाया गया है, ये पेलकतरा वगैरह नया डाला गया है इस पर, वो साइड का भी बना है इस साइड, लेकिन इधर वाला चौड़ा काफ़ी, उधर वाला काफ़ी पतला रोड है। ये आके आपका काशी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ गेट नंबर 1। सुबह के समय अंदर खाली रहता है रोड, जब जैसे ही शाम होता है फिर जाम लगने लगता है एकदम चाप के, ऐसा कोई हद नहीं है। गेट नंबर 2 आ गया ये काशी विद्यापीठ। देख रहे हैं यहाँ पे रोड जो बनाया गया है इसे थोड़ा कचौड़ा भी लग रहा है देखने में, सब गाड़ियाँ खड़ा के करके और रास्ता कम कर दी है। चलो भारत माता ये मंदिर था भारत माता क्या। तरह से पार्क है पूरा ये, तो यहाँ का मार्केट देख लीजिए आप लोग पूरा, ये चंदुआ थट्टी है इधर सब्जी मंडी लगता है, लोग अंदर लगा रहे हैं सब्जी। अब देखिए जो 20 सम्मेलन आने होने वाला है देखिए तब तक वो देखिए दिखाई इन लोग को यहाँ पे लगाने देते हैं कि नहीं, रेड लाइट है। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, उम्मीद है वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।